चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। रोहतक क्या है, इसका इतिहास क्या है, हरियाणा राज्य में रोहतक का क्या महत्व है और इसका परिचय कैसे दिया जाए। हरियाणा राज्य का हृदय केंद्र, राज्य के 6 मंडलों एवं 22 जनपदों में एक, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों के साथ हरियाणा राज्य की शैक्षिक राजधानी, 5 लाख की विशालकाय जनसंख्या के साथ वर्तमान में राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र, लगभग 80 रेलगाड़ियों के ठहराव वाले हरियाणा के 5 सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में एक, HR-12 HR-46 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत नगर, हरियाणा राज्य के 11 नगर निगमों में एक, रोहतक। दक्षिण पूर्व में दिल्ली की ओर से रोहतक पहुंचने पर हिसार को जाने वाला बाईपास दक्षिण पूर्व की ओर एवं पानीपत को जाने वाला बाईपास उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाता है। मुख्य सड़क दिल्ली रोड के रूप में पश्चिमोत्तर की ओर रोहतक शहर में प्रवेश करती है। महानगर में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम IMT चौक से साक्षात्कार होता है। यहाँ से उत्तर की ओर औद्योगिक विकास को गतिशील बनाने हेतु इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT स्थापित की गई है। पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ते हुए लगभग 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय एवं बाबा मस्तनाथ मठ का परिसर दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ने पर तिल्यार झील, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय आदि से होकर सड़क राजीव चौक पर पहुंचती है। राजीव चौक बेहद विशाल आकार में फैला हुआ चौराहा है। यहां दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क पुराना दिल्ली हिसार बाईपास एवं उत्तर में जाने वाली सड़क सेक्टर 1, 2, 3 आदि की ओर प्रवेश करती है। राजीव चौक से उत्तर पश्चिम की ओर दिल्ली रोड पर बढ़ते ही बाएं हाथ की ओर विशाल भूभाग में फैला महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय उत्तर भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक है। विश्वविद्यालय से सड़क उत्तर पश्चिम की ओर मुख्य शहर की ओर बढ़ जाती है। यहाँ से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए रोहतक शहर की चमचमाती इमारतों एवं अनगिनत उच्च स्तरीय शोरूम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही मॉडल टाउन मोड़ से उत्तर की ओर शहर की बेहद पौश आवासीय क्षेत्र मॉडल टाउन बसा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही मेडिकल मोड़ स्थित है, जहां दक्षिण की ओर पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर प्रवेश किया जाता है। मुख्य सड़क यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर सिटी सेंटर की ओर बढ़ जाती है। रोहतक 1810 के आसपास अंग्रेजों के अधीन हुआ। ब्रिटिश प्रशासन ने रोहतक के व्यापारिक एवं भौगोलिक महत्व को देखते हुए इसे तत्कालीन पंजाब राज्य के जनपद के रूप में घोषित कर दिया। उस समय रोहतक जनपद में रोहतक, सोनीपत, गोहाना, झज्जर, महम और सांपला 6 तहसीलों का निर्माण किया गया। 1966 में हरियाणा राज्य का गठन होने पर इसे हरियाणा में सम्मिलित कर दिया गया एवं 1972 में रोहतक जनपद की गोहाना एवं सोनीपत तहसीलों को जोड़कर सोनीपत जनपद का गठन किया गया। वर्ष 1997 में झज्जर तहसील एवं बहादुरगढ़ क्षेत्र को रोहतक से विभाजित कर जनपद घोषित कर दिया गया। सिटी सेंटर की ओर बढ़ते हुए आधुनिक इमारतों को निहारते हुए एक और मुख्य चौराहा अशोका चौक नजर आता है, जहां से दक्षिण की ओर सर्कुलर मार्ग प्रारंभ होता है। प्रारंभ में सर्वप्रथम रोहतक के बाईपास के रूप में इसी मार्ग का निर्माण किया गया था। अशोका चौक से पश्चिम उत्तर की ओर चंद कदमों की दूरी पर ही सिटी सेंटर चौराहा स्थित है। यह क्षेत्र प्रशासनिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से शहर का केंद्र बिंदु है। इसी के निकट मानसरोवर पार्क स्थित है। चौराहे से पश्चिम में बाएं हाथ को जाने वाली सड़क पर उपायुक्त कार्यालय, लघु सचिवालय, जिला न्यायालय आदि स्थित हैं। दाएं हाथ की ओर जाने वाली सड़क पर चंद कदमों की दूरी तय करते ही एक और महत्वपूर्ण चौराहा भगत सिंह चौक स्थित है। इस महत्वपूर्ण चौराहे से पूर्व की ओर सोनीपत मार्ग प्रारंभ होता है। यहाँ दक्षिण में जिला न्यायालय स्थापित है।
भगत सिंह चौक से पश्चिम की ओर कुछ ही दूरी पर अंबेडकर चौक स्थापित है, जहां उत्तर की ओर पुलिस लाइंस का परिसर स्थित है। उत्तर पश्चिम की सड़क गोहाना रोड की ओर एवं पश्चिम में हिसार मार्ग प्रारंभ होता है। हिसार मार्ग पर एक विशालकाय ऊपरगामी सेतु का निर्माण किया गया है। यह ऊपरगामी सेतु लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। ऊपरगामी सेतु ने रोहतक महानगर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपनी अहम भूमिका निर्वाहित की है। ऊपरगामी सेतु पर पुराना बस अड्डा चौक के ठीक ऊपर महर्षि वाल्मीकि चौक स्थित है, जहां से सेतु का पश्चिमी भाग हिसार की ओर एवं दक्षिण पश्चिमी भाग भिवानी मार्ग की ओर प्रस्थान कर जाता है। अंबेडकर चौक से सेतु के नीचे पुराने हिसार मार्ग पर सर छोटू राम चौक होकर झज्जर चौक पर पहुंचते हैं, जहां दक्षिण की ओर से आने वाला झज्जर मार्ग जुड़ता है। झज्जर मार्ग रोहतक के दक्षिणी भाग में प्रवेश करके शिवाजी कॉलोनी, जनता कॉलोनी, काठमंडी रेलवे ऊपरगामी सेतु आदि से होते हुए शहर के झज्जर चौक पर हिसार मार्ग से जुड़ जाता है। झज्जर चौक से हिसार रोड पर कुछ दूरी तय करते ही चौराहा भिवानी अड्डा स्थित है। यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिकोण से शहर का केंद्र बिंदु है। यहाँ उत्तर की ओर किला रोड, पुरानी सब्जी मंडी एवं दक्षिण में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रोहतक जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित है। रोहतक जंक्शन रेलवे स्टेशन हरियाणा राज्य के 5 सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में एक है। यहाँ से एक रेलमार्ग भिवानी हिसार की ओर, एक रेलमार्ग दिल्ली की ओर, एक रेलमार्ग पानीपत की ओर, एक रेलमार्ग जींद की ओर एवं एक रेलमार्ग झज्जर रेवाड़ी की ओर प्रस्थान करता है। रेलवे स्टेशन को भिवानी स्टैंड से जोड़ने वाली बेहद महत्वपूर्ण सड़क रेलवे रोड शहर के आधुनिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में शुमार होती है। इस सड़क पर दोनों ओर अनेकों उच्च स्तरीय प्रतिष्ठान एवं ब्रांडेड शोरूम कतारबद्ध नजर आते हैं। रोहतक शहर में वर्तमान में 5 लाख की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। यह हरियाणा राज्य में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत एवं अम्बाला के पश्चात 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। भिवानी स्टैंड चौराहा से हिसार मार्ग पर पश्चिम की ओर पुरानी सब्जी मंडी चौक आदि होकर पुराना बस स्टैंड की ओर निकल जाता है। पुरानी सब्जी मंडी चौक के निकट से उत्तर की ओर एक महत्वपूर्ण सड़क जींद रोड के रूप में प्रारंभ होती है। यह सड़क भी रोहतक शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में एक है। लगभग 1 किलोमीटर सफर तय करने के पश्चात यह सड़क माता गेट चौक पर पहुंचती है। माता गेट चौक के निकट ही शीतला माता मंदिर एवं गुरुद्वारा बांग्ला साहिब स्थित है। माता के चौक से उत्तर की ओर सड़क जींद रोड के रूप में जींद चौक होकर जुलाना, जींद, नरवाना एवं संगरूर की ओर प्रस्थान कर जाती है। माता गेट चौक से एक महत्वपूर्ण सड़क शहर के पुराने भागों से गुजरते हुए गोहाना मार्ग से जुड़ जाती है। गोहाना मार्ग हिसार मार्ग इससे सर छोटू राम चौक से प्रारंभ होता है एवं पुराना गोहाना अड्डा होकर कृपाल नगर आदि क्षेत्रों से गुजरता है। गोहाना मार्ग घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए शहर के बेहद व्यस्त चौराहे सुखपुरा चौक से गुजरता है। सुखपुरा चौक बेहद व्यस्त चौराहों में एक है। यहाँ गोहाना मार्ग एवं पूर्व में राजीव चौक से आने वाला नया बस स्टैंड मार्ग एक दूसरे को काटते हैं। गोहाना मार्ग उत्तर पूर्व में राजेंद्र नगर आदि होकर गोहाना पानीपत की ओर प्रस्थान कर जाता है। शहर के हृदय केंद्र में भगत सिंह चौक से पूर्व में जाने वाली सोनीपत रोड शहर के अत्याधुनिक क्षेत्रों में गिनी जाती है। विकासनगर, मानसरोवर कॉलोनी, मॉडल टाउन का उत्तरी छोर इसी मार्ग से जुड़ा हुआ है। सड़क के दोनों ओर आलीशान आधुनिक इमारतें रोहतक शहर में संपन्नता से परिचय कराती हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु रोहतक शहर को कुल 9 थाना कोतवाली क्षेत्र, कोतवाली शहर, थाना सदर, थाना IMT, थाना पुरानी सब्जी मंडी, थाना सिविल लाइंस, थाना अर्बन एस्टेट, थाना शिवाजी कॉलोनी, थाना PGIMS एवं थाना आर्यनगर में विभाजित किया गया है। सोनीपत मार्ग शैला बाईपास चौक होकर सेक्टर 3, बोहर आदि से गुजरते हुए पूर्व की ओर खरखोदा एवं सोनीपत की ओर प्रस्थान कर जाती है। शहर के राजीव चौक से सेक्टर 1, 2, 3, शैला बाईपास, सुखपुरा चौक से होकर शहर के उत्तरी भाग से चक्कर लेकर हिसार मार्ग तक जाने वाली नया बस स्टैंड रोड भी शहर के महत्वपूर्ण मार्गों में एक है। इसी मार्ग पर रोहतक का आधुनिक बस स्टेशन स्थित है। यहाँ हरियाणा के समस्त मुख्य शहरों समेत दिल्ली, पंजाब आदि को आवागमन हेतु सुचारू रूप से बस सेवाएँ उपलब्ध हैं।
रोहतक जैसे महानगर को कैमरे में संजोना मेरे लिए एक स्वप्न जैसा था जो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज पूरा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। रोहतक महानगर पर बनाया यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो आपके हृदय एवं रोहतक दोनों से परस्पर जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।